वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। तमन्ना, नंदन, पारुल, रागनी, स्वीटी, सौम्या, प्रियंका, विभास, मंथन, विद्यासागर, अजितेश, रेक्चा, इसमत, वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, दैट इज 17th of September 2022। तो पहले आज हम कुछ न्यूज करेंगे, और जैसे मैंने आपको कल कहा था, हम वीकली क्विज भी करेंगे आज, ठीक है। मतलब इस वीक के जो भी न्यूज हैं, कुछ 5-7-10 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दामिनी, मंगल, अमन, अमन, अमन राजपूत, अमन राही, सार्थक, एकता, अभिराज, थैंक यू मंथन। आई होप माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। प्लीज जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, सो इट शुड बी शेयर्ड विद ऑल द स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में, दोज हु वॉन्ट टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स एंड देयर बैकग्राउंड। चलिए, सो दिस इज मी संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF, वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम निष्ठा। एंड टीम निष्ठा ऐप लाइव हो चुकी है। Those who want to join the courses, they can join, they can see the app. उसमें मैंने कई सारे free test भी डाले हैं, please go and attempt those test. ठीक है जी, कोशिश करूंगा कि जो हम monthly current affairs कर रहे हैं, उन monthly current affairs का भी कुछ quiz जो है वहाँ पर डाल दूँ मैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको app पर मिलती रहेंगी, please go and visit. ठीक है, उसके अलावा जो current affair का PDF है वो मैं Telegram के channel पर share कर लेता हूँ। वंशिका, चांचल, कीना, रुचिका, मुकुल, शशिकांत, थैंक यू, ऐसे मत कहिए, ठीक है, ठीक है जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग आरती, रितु, स्वीटी, मेरी आवाज़ आई होप सब तक क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं जैसा हमारा हमेशा से रहता है, इंटरनेशनल न्यूज़ को। तो करंट अफेयर्स 100 बाय टीम निष्ठा चैनल पर आपका स्वागत है। और चलिए पहली ही न्यूज समझ रहे हो, जरा विनोद देख रहे हो। US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनाउंस किया है कि $600 मिलियन आर्म्स पैकेज यूक्रेन को दिया जाएगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी ताइवान को दिया गया था, सो अकॉर्डिंग टू पेंटागन, जहां पर इनका डिफेंस कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट है, तो पैकेज विल इंक्लूड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, नाइट विजन गॉगल्स होंगे इसमें, क्लेमोर माइंस होंगी, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट होगा, 105 आर्टिलरी राउंड्स होगा, 105 प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स होगा। जैसे कहावत नहीं है कि नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, और पीछे ही हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। चलिए, सो पेंटागन फर्दर सेड US विल कंटिन्यू टू वर्क विद इट्स अलाइज एंड पार्टनर्स, ताकि वो यूक्रेन को जितनी भी की कैपेबिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करता रहे, टू मीट इट्स इवॉल्विंग बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स। और इसका असर यूक्रेन रशिया वॉर पर दिख भी रहा है। उसका कारण क्या है, आप देखिए पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लगभग इस महीने 24 तारीख को 7 महीने पूरे हो जाएंगे वॉर को। और रशिया, जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि इट वुड बी अ केक वॉक फॉर रशिया, ऐसा नहीं रहा। दूसरा, जो रशिया ने पिछले कुछ महीनों में ईस्टर्न जो डॉनबास वाला रीजन था आपका, डॉनबास वाला रीजन जो रशिया ने हथियाया था, या कह लीजिए कब्जा किया था, या कह लीजिए कंट्रोल किया था, कुछ भी आप उसको शब्द दे सकते हैं, उसको भी यूक्रेन दोबारा, कई जगह पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा आ गया। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि रशिया के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि उस यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रही है US के द्वारा और बहुत सारे देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा, या कहें तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा या नाटो के देशों के द्वारा, वो एक्चुअल में यूक्रेन को वॉर में काफी हेल्प कर रही है, हेल्प इन द सेंस मिलिट्री हेल्प कर रही है। दो रशिया, यूक्रेन की इकोनॉमी, या कह लीजिए यूक्रेन एज अ कंट्री, हमने देखा किस तरीके की वहां तबाही हुई है। सो ये जो है, अभी रिसेंटली जो बाइडन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हम $600 मिलियन। तो $600 मिलियन कितना होता है, एनीबडी हु इज नॉट अवेयर ऑफ दिस,
इसको ऐसे मान लीजिए, देखो 1,000 मिलियन डॉलर जो होता है ना, जिसको हम 1 बिलियन डॉलर कहते हैं, वो होता है 8,000 करोड़। तो 8,000 करोड़ को आप बात कर लीजिए, या 1 बिलियन को बात कर लीजिए, दैट इज 8,000 करोड़। तो 0.6 × 8 तो हो गया ये आपका 848, 4,800 करोड़ रुपीज। तो अगर मैं 80 रुपए का एक डॉलर मानता हूं, तो इंडियन रुपीज में 4,800 करोड़ हो गया ये, ठीक है। तो इतना पैसा जो है दिया जाएगा किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। सो वॉशिंगटन हैज सेंट 15.1 बिलियन डॉलर्स इन सिक्योरिटी असिस्टेंस टू कीव सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर। अभी तक 15 बिलियन डॉलर्स। पर इसमें एक चीज और भी है, एक पॉइंट और भी है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया यूएस की तरफ से। प्रकाश ओझा, अब ज्यादा है या कम है ये तो खैर समय बताएगा। एक चीज और, पेंटागन क्या है? पेंटागन जहां पर उनका डिफेंस हेडक्वार्टर्स है, ठीक है जी। यूक्रेन की इकोनॉमी तो सही नहीं है, तो वो यूएस को इतना पैसा, ये एक तरह का एक सपोर्ट कह लीजिए। अब आप ये देखो ना, यूएस के लिए, यूएस की जो आर्म्स सप्लायर हैं, जो कंपनीज हैं, उनके जो शेयर्स हैं वो पीछे, अगर आपको याद हो, हमने ये भी पढ़ा था, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, खूब बढ़िया चल रहे हैं भाई, हथियार बिक रहे हैं, दबा के बिक रहे हैं, इधर ताइवान से बिक रहे हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी, तो आज मैंने एज सच कवर नहीं किया, पर इसी में कवर करना चाहता हूँ। नैन्सी पेलोसी, जिसकी विजिट के बाद जो है हमने देखा ताइवान स्ट्रेट में एक अलग मतलब टेंशन हो गई। अब नैन्सी पेलोसी ने कहा कि मैं अर्मेनिया भी जाऊंगी। साई भाई साहब, मेरे को लिटरली पढ़ के थोड़ा सा हंसी भी आई थोड़ा। मैंने कहा भाई साहब, अब मतलब वहां पे भी कन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा और फ्लेयर अप होने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए, ये उनकी अपना इंटरनल मैटर है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं आर्मेनिया भी जाऊंगी। चलिए, हेलो शिवानी। चलिए, तो कुल मिला के यूएस की सरकार ने 600 बिल, सॉरी, ओके, इन ग्वाटेमाला एटलीस्ट 9 पीपल हैव बीन किल्ड एंड सम 20 वर इंजर्ड इन अ स्टैम्पीड, ठीक है। यहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि कई लोग जो है, देश की आजादी सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे, देश की आजादी का महोत्सव मना रहे थे, तो वहां पर एक स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई, भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। तो इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि ग्वाटेमाला है कहाँ पर, दुनिया के किस कोने में है, ठीक है, दुनिया के किस कोने में ग्वाटेमाला ये कंट्री है। चने झाड़ पर चढ़ाना वाला काम, ओके चलो आगे चलते हैं। जगह का नाम है क्विट ज़ेलटेंगनागो, होस्ट द सेंट्रल अमेरिकास कंट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। ग्वाटेमाला को सेलिब्रेशन मिली है 201 साल पहले, मतलब 200 साल पहले, बेला चाओ से, या कह लीजिए स्पेन से, ठीक है, स्पेन से ये इनको आजादी मिली थी। तो ये आप देख सकते हैं सेंट्रल अमेरिका में। अगर आपको याद हो, एक हमने पढ़ा था कि बिटकॉइन को रजिस्टर करने वाला, बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाला जो पहला देश बना है वो है एल सेल्वाडोर, याद है आपको ये फैक्ट, हमने पढ़ा था। इस बार आपका बिट करेंसी से क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यहां पर एल सेल्वाडोर के नॉर्थ में देखिए, एक छोटा सा कंट्री है ग्वाटेमाला, ठीक है, जिसका बॉर्डर लगता है मैक्सिको के साथ, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, वहां पर है ये आपका ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिका में है, बिल्कुल ठीक कहा जी। स्पेन के बगल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, स्पेन बहुत कहीं यहां पर दूर दूर में भी नहीं है, स्पेन आपका यूरोप में है, ठीक है जी। वहां पर प्रोफेसर और बेला चाओ हैं। आगे चलते हैं, एक और न्यूज, एक और जगह कंफ्लिक्ट। अब देखो रिसेंटली हमने क्या क्या कंफ्लिक्ट पढ़े, चाइना ताइवान चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान चल रहा है, इथोपिया टिग्रे चल रहा है, ठीक है, इथोपिया और इथोपिया में ही टिग्रे रीजन का चल रहा है, सूडान और साउथ सूडान का चल रहा है, ठीक है जी, और कीनिया और सोमालिया का चल रहा है। एक और आज कंफ्लिक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, तो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में भी एक कंफ्लिक्ट चल रहा है। अब पूछेंगे सर ये कौन सा कंफ्लिक्ट है, ये भी नया है, अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले ये दोनों जो कह लीजिए राष्ट्रपति हैं,
या दोनों हेड ऑफ द स्टेट जो हैं ये मिले हैं आपका एससीओ सबमिट में, और दोनों ने कहा कि हम सीज फायर के लिए दोनों मान गए हैं, युद्ध विराम के लिए या के लिए सीज फायर के लिए, ट्रूप पुल बैक इन अ मीटिंग, सो ये सीज फायर कम्स फॉलोइंग अ डेडली बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। दो रशियन, ये दोनों ही रशिया का यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, दोनों ही एससीओ के मेंबर्स हैं, दोनों ही सीएसटीओ के मेंबर हैं। ये सीएसटीओ क्या है? जैसे एक नाटो है ना, 30 देशों का समूह है जिसका हेड है, जिसका लीडर यूएसए है, वैसे ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड कह लीजिए 6 देशों का समूह है, जिसका सबसे बड़ा देश है रशिया। तो ये जो है आपका, दोनों ही देश रशिया के अलाइज है, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। अब दोनों देशों के बीच में एक नदी को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है? सो स्टार्टेड रीस्टार्टेड फाइटिंग इन अ डिस्प्यूटेड एरिया विच हैज एटलीस्ट लेफ्ट 3 डेड एंड डजन्स वुंडेड। तो 3 लोगों की मृत्यु हो गई, कई दर्जनों घायल हो गए। वंस अ लेजेंड सेड यूएसए टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस, टू बी फ्रेंड इज अ फैटल। यस, ये सारे कंट्रीज को क्या हो गया है? ये बेटा चलता रहता है, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट तो जो है पूरी दुनिया में सिर्फ लड़ने लगी हुई है, यूनाइटेड नेशन भी लाइक मेरे को वजूद नहीं। चलिए, रशिया हेडेड, यस, सो मॉस्को हेडेड सेसेशन ऑफ हॉस्टैलिटीज। यहां पर आप देख सकते हैं किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये नाम पर थोड़ा मत जाइएगा, ये थोड़ा अंग्रेजी किसी की, भाई साहब की किसी की तगड़े वाली है, तजाकिस्तान के स्पेलिंग से टैड साकिस्तान। चलिए, तो कुल मिला के यहां पर एक नदी है, नदी का नाम है इशफरा रिवर, ठीक है? इस फरा, ठीक है? ऐसे बिल्कुल कोई लग रहा ना, कोई पोएम टाइप लग रहा है, इस फरा रिवर। तो बॉर्डर कंफ्लिक्ट ये स्टार्ट हुआ 2021 में, खैर ये उससे बहुत पहले का है, ये 1991 से पहले दोनों ही यूएसएसआर का, सोवियत रूस का पार्ट हुआ करते थे। ये कन्फ्लिक्ट जो है रीसेंट टाइम में काफी ज्यादा बढ़ा। एक्चुअली हुआ क्या कि तजाकिस्तान, जो मतलब वहां के स्थानीय तजाकिस्तान के लोग हैं, वहां के आसपास के लोग इस नदी के, वो चाहते हैं कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास रहे। और ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जब डिससेटिस्फेक्शन ऑफ लोकल किर्गिज पॉपुलेशन रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वेलियंस कैमरा बाय द ताजिक फोर्सेस। तो ताजिक फोर्सेस ने वहां पर सर्वेलियंस कैमराज लगाया है इश्क करा रिवर। चलिए, अब थोड़ा शायराना अंदाज याद रहे ना, ठीक है? तुर्की याद रहा ना पेपर में, वैसे ही है। चलिए, तो यहां पर ये है इशफरा रिवर। तो इस पर यहां पर डिस्प्यूट है, लोकल चाहते हैं, जो तजाकिस्तान के रेजिडेंट है वो चाहते हैं कि हमारे पास रहे कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर तजाकिस्तान की फोर्सेज ने कुछ सर्वेलियंस कैमराज लगाए। तो सर्वेलियंस कैमराज को लेकर वहां की जो किर्गिस्तान की पॉपुलेशन थी, दूसरे देश की पॉपुलेशन थी, वो काफी ज्यादा खफा थी। और इस कंफ्लिक्ट में लगभग 55 लोगों की डेथ हुई, ये जो रीसेंट क्लैशेज हुए थे, और लगभग 40,000 लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, मतलब अपना घर छोड़ना पड़ा। और जनवरी 2022 में भी ये फाइटिंग हुई, सब्सटेंशियल एस्केलेशन इन सितंबर 2022। तो ये काफी पुराना मुद्दा है, उससे पहले का भी मुद्दा है ये, बट अभी रिसेंटली कह लीजिए थोड़ा ज्यादा उभर कर आया है। तो ये आपकी इशफरा रिवर तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में, ठीक है जी? केटी में या टीके याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, तो दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। यूएसएसआर क्या है? सोवियत रूस, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यस विभास, गुड। सीजफायर होता क्या है फौज की टर्म्स में, प्लीज टेल सर। अभिराज, फौज की टर्म में होता है युद्ध विराम, ठीक है? आप गोली नहीं चलाएंगे, मैं भी गोली नहीं चलाऊंगा, अभी शांति स्थापित की जाए, टेम्परेरी सीजफायर, मतलब अभी के लिए। उतने में बातचीत, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, बातचीत की जाए, लड़ाई आखिरी वो है। हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग शुड बी रिजॉल्व्ड बाय टॉक्स, जब नहीं होती है तब लड़ाई इज द लास्ट ऑप्शन, वॉर कंफ्लिक्ट इज द लास्ट ऑप्शन। तो उस सीज फायर कर दिया गया दोनों ने। ओके, सो किर्गिस्तान ने कहा, तजाकिस्तान फोर्सेस ने टैंक्स का यूज किया, आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स का यूज किया, मोर्टार्स का यूज किया, और इन टर्न तजाकिस्तान का ये कहना था इन्होंने हमारी आउटपोस्ट को कह लीजिए टारगेट किया, 7 गांव को जो है इन्होंने टारगेट किया। तो एक दूसरे पर कहते ना आरोप प्रत्यारोप,
चलते रहे किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। तो मुद्दा क्या था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इंडो लंका एफटीए टू बी रिवाइव्ड एंड अपग्रेडेड सेज रनिल विक्रमासिंघे। एक अच्छी न्यूज आ रही है, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ रिवाइव करना चाहते हैं, इसको अपग्रेड करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप के रूप में। और ये बात जो है, जब एड्रेसिंग द श्रीलंका इंडियन सोसाइटी, विक्रम सिंह ने ये कहा कि ये हर एक स्टेप लेंगे भारत के साथ ट्रेड इंटीग्रेशन किया जाए, मतलब भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते जो हैं सुधारे जाएं। अब ये जो इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये 2000 में आया था, इसमें कई सारे बायलेटरल डिस्कशंस हुई पर अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो इसके पीछे कई सारे कारण कहे जा सकते हैं, खैर ये मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्यास लगाए जा सकते हैं। अब ये क्यों नहीं साइन हुए दोनों देशों के बीच में, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि चाइना का रोल रहा होगा, या फिर श्रीलंका की इकोनॉमी वैसे ही अच्छी चल रही थी तो ये कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रांग पोस्चरिंग दिखा रहे थे, इनको बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही थी चाइना से। तो अब बट दे आर एग्रीड कि हाँ जी हम जो है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइव करना चाहते हैं और इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब ये कह रहे हैं कि जब विक्रमसिंघे जब प्रधानमंत्री थे 2015 से 19 के बीच में, उन्होंने कोशिश की थी कि हम भारत के साथ ये साइन करें, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रपति पहले महिंदा राजापक्षा थे, फिर गोटाबाय राजापक्षा थे, और राजापक्षा ब्रदर्स की चाइना के साथ जो क्लोजनेस है ये कह लीजिए जग जाहिर थी। और महिंदा राजापक्षा के टाइम पर श्रीलंका जो है काफी ज्यादा चाइना की तरफ झुकाव देखने को देखा गया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनको चाइना से आने लगी, तो शायद मे बी उनको लगा होगा कि भारत की हमें जरूरत नहीं है। बट अगर आप अभी देखेंगे इस साल जो इन्वेस्टमेंट हुई है या कह लीजिए जो हेल्प दी गई है श्रीलंका को, उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज भारत के द्वारा है, ठीक है जी। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। चलिए ओके, ये श्रीलंका कह रहा है इंडिया के बारे में। सो लॉन्ग टर्म एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में बात की गई, द पावर ग्रिड कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब किन किन मुद्दों पर हम श्रीलंका के साथ काम करेंगे। पावर ग्रिड कनेक्शन, ऑफशोर विंड एनर्जी, क्योंकि श्रीलंका एक कोस्टल स्टेट है, ठीक है जी, एक आइलैंड नेशन है, तो वहां पर विंड एनर्जी का बहुत स्कोप है, क्योंकि इक्वेटर के बहुत पास है तो सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं जाफना पेनिनसुला पर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और जो वहां के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमासिंघे है, उन्होंने त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट की भी बात की, उन्होंने कहा कि इसका बहुत पोटेंशियल है। और रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज ऑलरेडी टेकन ओवर एज द वेस्ट टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट, ठीक है। तो अडानी ग्रुप ने जो वेस्ट टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का, उसको ऑलरेडी टेकन ओवर कर लिया है। और ये कहा गया कि दोनों ही देश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। सर वो चाइना वाली शिप तो इन्होंने रोकी नहीं खुद ये पोर्ट, बेटा चाइना की शिप नहीं रोकी। देखो एक बात कही जाती है, मतलब वो कड़वी सच्चाई है, आप ये कहते हैं कि यूएस वर्ल्ड पावर है, तो यूएस के वर्ल्ड पावर होने में एक सबसे बड़ा कारण उनका उनकी इकोनॉमी है। जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है ना, तब आपकी बात की वैल्यू है, ये बात है, ठीक है। अब आप कहते हैं जी चाइना की भी बड़ी वैल्यू हो गई है, चाइना की इकोनॉमी है पीछे, उनको इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमी बढ़ेगी तब डिफेंस बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी, तब आप बैंक को लोन दे सकेंगे, वो बैंक फर्दर और देशों को लोन देगा, ठीक है। तो आपका वर्चस्व बढ़ता है जब आप फाइनेंशियली इस तरीके से हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है डिसीजन लेने के लिए, हार्ड बट ट्रू ट्रू। चलिए आगे। सर क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को, देखो अब वो लेट सी हमारी भी कोशिश है कि हम अभी रिसेंटली, अगर आपको कल ही न्यूज की याद हो, कल हमने पढ़ा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में हम 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से वहां पर एक टर्मिनल डेवलप करने की बात है, एयरपोर्ट डेवलप करने की बात है, टूरिज्म डेवलप करने की बात है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये इंडियन ओशन में भारत का कह लीजिए एक जो होल्ड है वो बना रहे, जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं वो फ्री रहें,
ये भारत की कह लीजिए एक पॉलिसी रही है हमेशा से। और श्रीलंका पड़ोसी मुल्कों में चाइना का दखल अंदाजी कम से कम हो, वो भी हमारा कह लीजिए मकसद रहा है, नो डाउट। आगे चलते हैं, चाइना सेंक्शंस रेथियन, बोइंग डिफेंस सीईओज ओवर यूएस आर्म्स सेल टू ताइवान। समझ रहे हो, चाइना कह रहा हम भी कम थोड़ी ना है, तुम सेंक्शंस लगाते तो हम भी सेंक्शंस लगाएंगे। तो यूएस ने अनाउंस किया था अभी रिसेंटली $1 बिलियन आर्म सेल्स। देखो यूएस ने, आज हमने पढ़ा, $600 मिलियन का टोटल $15 बिलियन की हेल्प की है किसको, यूक्रेन को। और यूएस ने अनाउंस किया था $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 1.09 टू बी स्पेसिफिक, आर्म सेल टू ताइवान लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, जिसमें कि $355 मिलियन का बोइंग्स हार्पून मिसाइल्स हैं और $85 मिलियन रेथियन साइड विंडर मिसाइल्स हैं। अब जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से सेंक्शंस लगाएंगे हम इन कंपनी के सीईओस पर, जो ये कंपनीज हैं जो ये हथियार दे रही हैं ताइवान को। बट और ग्रेगरी हेयर्स, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेथन टेक्नोलॉजीज, टेड कॉलबेट, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी, इन पर किस तरीके के सेंक्शंस लगाएंगे ये चाइना ने नहीं बताया। बट यस, ये कहा जा रहा है कि ये जो सेंक्शंस हैं ये सिंबॉलिक हैं। देखो अल्टीमेटली चाइना, इनके चाइना के सेंक्शंस लगाने से इनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर चाइना यहाँ पर एक स्ट्रांग पोस्चरिंग दिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हम जो है आपकी यहां पर दखल अंदाजी को सहन नहीं करेंगे। खैर इससे यूएस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को एक ग्राउंड भी बनाया जा सकता है फ्यूचर अटैक्स के लिए यूएस के, चाइना के द्वारा ताइवान पर, कि देखिए जी हमने वार्निंग भी दी, इन्होंने हथियार भी दिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए एंटी यूएस। रशिया तो कर ही रहा है ऑलरेडी, चाइना भी साथ में है, अब लेट्स सी आगे क्या होगा। सो चाइना ने क्लेम किया है कि ताइवान, जो कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं ऑन ऑफ इट्स ईस्ट कोस्ट, ये हमारा ही पार्ट है। चाइना और ताइवान अलग हो गए थे, ताइवान चाइना में, मेनलैंड चाइना में, जब मैं चाइना की बात करता हूँ, खैर ताइवान वाले बोलते हैं कि हम हैं रियल चाइना, तो इसमें दो टर्म आती हैं, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो चाइना की बात करते हैं आप, मेनलैंड चाइना की, तो यहां पर आपका कम्युनिस्ट रूल आता है। कम्युनिस्ट रूल आने के बाद माओ जीडोंग आते हैं, ठीक है जी, माओ जीडोंग वहां पर जो पहले से पार्टी थी काई चाई कांगशेक, वो पार्टी जो है भागकर चली जाती है कहां पर, ताइवान में, और वहीं से रूल करती है। 1971 तक जो चाइना को कह लीजिए एक परमानेंट मेंबर था, वो ताइवान ही रिप्रेजेंट कर रहा था। बाद में कह लीजिए 1971 में यूएस ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज किया, मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज किया और उसको परमानेंट मेंबर बनाया कि आप हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। बट अब चाइना धीरे धीरे 1978 में डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया। कहने के लिए वो कम्युनिस्ट नेशन है, पॉलिटिकली वो कम्युनिस्ट नेशन है, इकोनॉमिकली दे आर मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या कहें तो कंट्रोल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अब जो है चाइना की इकोनॉमी बहुत बढ़ चुकी है और सीधा सीधा वो चाहता है कि ताइवान को बाय फोर्स अंदर कर लिया जाए, अपने देश में मिला लिया जाए, और हमेशा से चाइना वन चाइना पॉलिसी की बात करता रहा है, ठीक है जी। चलिए, हांगकांग यूके की टेरिटरी था, 1997 में हैंडओवर किया गया चाइना को। चाइना ने तब कहा कि हम यहाँ की डेमोक्रेसी को मानते हैं और इसको मेंटेन रखेंगे। अब इन्होंने कहा कि यहाँ की डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ऐसे ही है, बेकार है, हम लेके आएंगे टू डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया के बारे में भी चाइना यही कहता है, इंडिया इंडिया के बारे में बोलता है कि क्योटिक डेमोक्रेसी है, हम है ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है जी। एक सिंगल पार्टी है वहां पर, वो कहते हैं हम ट्रू डेमोक्रेसी है। इंडिया को भी यूएसए पे सैंक्शन लगा देना चाहिए। ओके, चाइना बिगेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल पीस, सॉरी, चाइना बिगेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल पीस ऑर्डर,
नीड टू क्रिएट काउंटर नैरेटिव, ये किसने कहा? आईपैक ने कहा। तो ये जो है एक मिनट, अनुज अनुज करेंगे इस पे बात, पहले हम थोड़ा ये न्यूज कंप्लीट कर लेते हैं। असर्टिंग के चाइना जो है दुनिया के शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये किसने कहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना कह रहा है। उन्होंने उनकी एनुअल मीटिंग में वॉशिंगटन, वॉशिंगटन जो कि यूएस की कैपिटल है, टू क्रिएट अ काउंटर नरेटिव अगेंस्ट द चाइनीज प्रोपोगेंडा। तो चाइनीज जो प्रोपोगेंडा है उसको काउंटर किया गया है और कहा गया है कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है। और इसमें बेसिकली अब ये आप पूछेंगे ये आईपैक क्या है, ये इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस है, मतलब 30 देशों का, 30 देशों के इसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं, 60 लॉ मेकर्स हैं, ये साथ में मिलकर बातचीत करते हैं। इसमें इंडिया के पार्लियामेंट के भी मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग सुजीत कुमार फ्रॉम बीजू जनता दल, उड़ीसा से, बीजू जनता दल बीजेडी, वहां से सुजीत कुमार भी इसके मेंबर हैं। सर वी आर इंटेंडिंग टू गो टू चाइना समटाइम इन द फ्यूचर, MPs फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू शो सॉलिडेरिटी विद ताइवान। इन्होंने कहा कि हम ताइवान जाएंगे जब भी हमें मौका मिलेगा, हम वहाँ के लोगों के साथ, हमारी सहानुभूति है, क्योंकि ताइवान जो है एक प्राउड वाइब्रेंट और पीसफुल डेमोक्रेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ताइवान को चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट सपोर्ट करें। ये किसने कहा? सुजीत कुमार जी ने कहा, जो कि बीजू जनता दल से आते हैं, या कह लीजिए इंडियन पार्लियामेंट है, हमें पार्टी स्पेसिफाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर। सो नेशनल कन्वीनर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फोरम ऑन तिब्बत, बाई पार्टीशन इंडियन इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम है जो कि तिब्बतन इशू पर भी बात करती रही है, तिब्बतन कम्युनिटी जो भारत में रह रही है उनको हेल्प कर सके, और किस तरीके से जो पीसफुल स्ट्रगल है दलाई लामा का उसको सपोर्ट करता है। ये जो ऑल पार्लियामेंट्री फोरम है, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री फोरम है, ये जून 2020 में बनाया गया था टू प्रमोट द रिफॉर्म ऑफ अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसीज टुवर्ड चाइना। आईपैक का मकसद क्या है? सेंसिटाइज करना लोकतांत्रिक सरकारों को पूरी दुनिया में, ताकि जो चाइना चैलेंज पोज कर रहा है पूरी दुनिया को उससे बचा जा सके और ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी को आगे ले जाया जा सके। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, तो करंट अफेयर्स में चाइना चल रहा है, ठीक है, चाइना ही चाइना चल रहा है। यस, थोड़ा देश में वापस आ जाते हैं, पूरा ऐसा लगता है दुनिया घूमा है, क्या बात है, मतलब यहां बैठ के दुनिया की सैर हो गई, वापिस आ जाओ। ठीक है, चलिए। आज जो है दो चीजें थी, बहुत सारी पॉलिसीज को इनिशिएट किया गया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी जो का जन्मदिन है, और उसके साथ विश्वकर्मा डे है। विश्वकर्मा डे बेसिकली इवन आप जब फोर्सेस में जाएंगे या एनीबडी ऑफ यू विल गो इनटू द फोर्सेस, तो आप देखेंगे वहां पर जो आज का दिन होता है बहुत भव्य तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके हथियार हैं, जो आपकी गाड़ियां हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, अल्टीमेटली वो क्या है, वो मशीन्स हैं, और उन्हीं के कह लीजिए जनक कहे जाते हैं विश्वकर्मा जी। ठीक है, ओके। तो ठीक है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने प्रेजेंट किया इंस्पायर अवार्ड्स टू 60 स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओवर 53,000 स्टूडेंट्स। देखिए, मैं शायद कई बार सेशन में कई बार आपसे बात की है, मैंने आपको कई बार ये बताया है कि अगर भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, या कह लीजिए दुनिया की सुपर पावर बनना चाहती है, या हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं 2047 तक, तो एक चीज हमें आगे ले जा सकती है, दैट इज इनोवेशन, नवाचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को आगे ले जाते हुए इंस्पायर अवार्ड्स हैं आपके। इंस्पायर अवार्ड्स में 60 स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, लगभग 53,000 स्टूडेंट्स को। मकसद क्या है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उसका एक प्रोटोटाइप जो भी बच्चे हैं वो बना सके, जो उनके आइडियाज हैं। सो दीज इनोवेटर्स विल बी एक्सटेंडेड कंप्लीट इंक्यूबेशन सपोर्ट फॉर देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। इस चीज में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, यूनियन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उन्होंने कहा द कंट्री वॉज बैटलिंग विद सिवियर इंपैक्ट ऑफ COVID-19, एनुअल इंस्पायर अवार्ड्स मानक, मानक का मतलब मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज कॉम्पिटिशन अट्रैक्टेड एन अनप्रेसिडेंटेड 6.53 लाख आइडियाज, मतलब 6.5 लाख आइडियाज आए एंड इनोवेशन फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है जी,
हमारे देश में इनोवेशन की कमी नहीं है, इंपॉर्टेंट इज कि उस इनोवेशन को चैनलाइज करके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाया जाए और लोगों तक ले जाया जाए। चलिए, तो इसमें 702 डिस्ट्रिक्ट से आइडियाज आए हैं, 6.5 लाख बच्चों ने भेजे हैं, और ये कहा गया कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ये कुछ प्रोटोटाइप बना सके उन आइडियाज के बारे में, और उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन होंगे, प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन होंगे ताकि इनोवेशन को बढ़ाया जा सके। विश्वकर्मा जी वॉज HOD ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। यस सर, हमारे यहाँ ओके जी, मनाया जाता है। ठीक है, तनु पंचाल। नेक्स्ट न्यूज है, मोदी जी ने बायलेटरल मीटिंग की है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उज़बेकिस्तान, ईरान एंड तुर्की के साथ। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सब लीडर्स के साथ SCO समरकंद, हमने पढ़ा था, उज़बेकिस्तान जा रखे हैं, वहां पर बातचीत की है, और यहां पर उन्होंने रशिया को धन्यवाद दिया, यूक्रेन को, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो वहां फंसे हुए थे उनको उनको सेफ एग्जिट दिलाया दोनों ही देशों ने मिलकर, तो उसके लिए धन्यवाद किया, और ये कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर उन्होंने कहा कि ये दशकों पुरानी मित्रता है। इसके अलावा दोनों देशों ने बायलेटरल इश्यूज, यूक्रेन मुद्दे को लेकर बातचीत की, रशियन फर्टिलाइजर को लेकर बातचीत की, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉपरेशन, ऑयल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट, वीजा फ्री टूरिस्ट एक्सचेंजेस, इन सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है। पुन जी का बढ़िया लग रहा है, ये कौन हंस रहा है, ये पुतिन जी हंस रहे हैं। चलिए, सो ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज इज ग्रोइंग, सप्लाई ऑफ रशियन फर्टिलाइजर हैज ग्रोन 8-fold, विच इज क्रूशल फॉर इंडिया टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू लार्ज पॉपुलेशन। 8-fold, 8 गुना, 8 गुना। ओके, मोदी जी ने कहा पुतिन भाई साहब को कि आप भारत आइए, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया उज्बेकिस्तान बायलेटरल मीटिंग हुई जिसमें अगेन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड, कनेक्टिविटी। देखो, सेंट्रल एशिया, मैंने आपको कई बार बताया है, सेंट्रल एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक अगर आपको याद हो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उस वो रास्ता जो है जो ईरान से, ईरान के छाबार पोर्ट से लेकर सेंट्रल एशिया से होकर रशिया तक जाता है, और रशिया से बाल्टिक सी होते हुए, नॉर्थ सी होते हुए वापिस आता है, तो उसमें सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोर ओवर, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उनमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, या कई कह लीजिए एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो आपको बहुत मिलते हैं। इवन हम अगर आप बात देखें तापी पाइपलाइन की भी बात करते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब विचारधारा के रूप में हम देखें अलग अलग देश है, बट क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है अपने लोगों की, सो यहाँ पर हम तापी पाइपलाइन की भी बात करते हैं, हम मिनरल रिसोर्सेज की भी बात करते हैं, कजाकिस्तान यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं, कह लीजिए इन सब मुद्दों पर बात की गई है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोनों ही देशों ने ये कहा कि अफगानिस्तान की टेरिटरी जो है किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं ईरान के राष्ट्रपति जी से मिले। देखो, ईरान के साथ भी हमारे रिसेंटली रिलेशंस काफी खराब हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रंप गवर्नमेंट इन US, बट हमने अब धीरे धीरे हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो छाबार पोर्ट को दोबारा रिवाइव करने की बात की गई, ठीक है, इवन ईरान ने कहा कि आप हमसे तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं, हमसे तेल खरीदिए, हमने कहा कि जी आप पर सेंक्शन लगे हुए हैं, आप जो है तो पेमेंट हम कैसे करेंगे आप पर, तो ईरान ने क्या कहा कि भाई साहब आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, तो कहते हैं हाँ जी खरीद रहे हैं, तो कह रहे पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जी हम रुपी रूबल ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रुपी और रूबल ट्रेड कर रहे हैं, तो ईरान ने भी ये कहा कि भाई साहब अगर आप रुपी और रूबल ट्रेड कर सकते हैं तो रियाल और रुपी ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, ठीक है जी, रियाल और रुपी, रियाल और रुपी का मतलब रियाल जो कि ईरान की करेंसी है, तो उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, पहले भी हम ट्रेड करते आए हैं रियाल और रुपी में, तो अब दोबारा से हो सकता है कि आपको अगले ही कुछ दिनों में या कुछ समय में दोबारा से हम ईरान से तेल मंगवाते हुए नजर आए।
अब दूसरी तरफ आप तुर्की को देखिए, सॉरी तुर्किये को देखिए। तुर्किये जो है वो सीधा सीधा बहुत ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और यहां तक हमने देखा अभी रिसेंटली यहाँ की कंपनी ने ये कह दिया कि हम इनको ड्रोन्स नहीं बेचेंगे इंडिया को। इंडिया ने मांगे नहीं थे बट फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया। तो इसके बावजूद भी डिप्लोमेसी में ये नहीं होता है कि नहीं जी तेरी मेरी कट्टी, ठीक है, बातचीत होती है और बात मतलब कई सारे मुद्दों पर बातचीत की जाती है, ठीक है, इश्यूज को बातचीत से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्लियर? चलिए चलिए आगे। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, छाबार पोर्ट की बात की गई, और ओपनिंग ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप बिटवीन उज़्बेक एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज आर वेलकम ड्यूरिंग द मीटिंग। तो हमने ये भी बात किया कि हम इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उज़्बेकिस्तान में वहां पर खोला जाए, पार्टनरशिप बढ़ाई जाए, ये सारी चीजों पर बातचीत की गई। फिर तो यूएस डॉलर का डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। वाह क्या बात है सार्थक। चाइना और रशिया, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन आपका एड्रेस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब लव लेटर भेजेंगे आपको, वो कहेंगे क्या बात है ये, कहीं लड़का ये है बात, ठीक है जी। एग्जैक्टली रशिया और चाइना यही चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईरान से बातचीत की गई, तुर्की से बातचीत की गई। नेक्स्ट है यूएस एड और यूनिसेफ लॉन्चेस दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज टाइटल दूर से नमस्ते, ठीक है जी। तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ टुडे लॉन्च द दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज टाइटल दूर से नमस्ते। ये फंक्शन किया गया था बस दूर से नमस्ते, जैसे आजकल पड़ोस के आंटियों को दूर से नमस्ते कर दिया जाता है। चलिए, दूर से नमस्ते इज अ न्यू टेलीविजन सीरीज जिसमें प्रमोट किया जाएगा हेल्दी बिहेवियर को पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, क्योंकि अब जो है कहते हैं ना कोविड फैला हुआ है, तो दूर से ही आप नमस्ते करें। हमने देखा कि कोविड स्पेशली फर्स्ट वेव के समय पर किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड लीडर्स थे वो जब भी आपस में मिलते थे तो नमस्ते कर रहे थे, तो हम जो है कहीं ना कहीं दूर से नमस्ते की बात कर रहे हैं। फिक्शनल हिंदी सीरीज होगी, एंटरटेनमेंट होगा, एजुकेशनल फॉर्मेट होगा। सो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में किस तरीके से हम हेल्दी बिहेवियर और प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं, हर संडे को सुबह 11 से 12 बजे के बीच में होगा, ठीक है। मकसद क्या है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में लेकर आना। सर ये ट्रेड पार्टनर पर, सर ये न्यू ट्रेड सिस्टम पर भी वर्क कर रहे हैं ना, स्विफ्ट पेमेंट ऑफ, यस यस सदवचन बिल्कुल कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने काफी हद तक सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया है। चाइना तो सब देशों में जाकर ये कह रहा है कि आप डॉलर में क्यों ट्रेड कर रहे हैं, आप युआन में जो कि उनकी करेंसी है चाइनीज रेनमिनबी, उसमें आप ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड कीजिए। तो चाइना बहुत एग्रेसिवली उसको प्रमोट कर रहा है। अगर आपको याद हो इवन इंडिया भी रुपी ट्रेड को प्रमोट कर रहा है कि हमारे रुपी की वैल्यू बढ़े। खैर अभी हम उस लेवल पर कह लीजिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं बने हैं, चाइना डेफिनेटली है। तो चाइना जिन जिन देशों के साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है वहां पर उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज, बांग्लादेश ने भूटान को 8-0 से हराया, भाई साहब समझ लो 8-0 से। सेमीफाइनल में साफ वुमेन चैंपियनशिप, ये साफ क्या है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, हमने पहले भी कई बार पढ़ा है साफ। सो ये मैच हुआ दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू। सो स्किपर सबीना खातून कंटिन्यूड विद हर सुपर्ब फॉर्म बाय स्ट्राइकिंग थ्राइस इन द मैच अगेंस्ट भूटान टू लीड बांग्लादेश इनटू फाइनल्स। ये दूसरी बार है 2016 के बाद बांग्लादेश फाइनल्स में पहुंचा है, और फाइनल मैच जो है मंडे को होगा। बांग्लादेश विल प्ले द विनर ऑफ सेमीफाइनल्स जो इंडिया और नेपाल के बीच में होना है। हाँ जी क्या है साफ, अरे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक, मंथन गुड। चलिए स्कीम देख रहे हो विनोद,
यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट ने क्या कहा है कि भाई साहब ऐसा है कि अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इंप्लीमेंट नहीं की या डिले किया इंप्लीमेंट करने पर, तो आप पर जो है कह लीजिए पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अभी वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बीजेपी रूल्ड असम में चार ऐसी स्टेट्स हैं जो अपने टारगेट से बहुत पीछे चल रही हैं। और इस स्कीम में गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट रखे थे 2 करोड़ 95 लाख घरों के। और ये जो डाटा है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 के बेसिस पर कह लीजिए बताया गया है। और इसमें बहुत कड़े शब्दों में कह लीजिए कहा गया है कि आप जो इंप्लीमेंट है इसको, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसको इंप्लीमेंट कीजिए, और नहीं तो आप पर क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। तो मकसद क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर जो है वो जल्दी से जल्दी मिले। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका कह सकते हैं पॉलिटिकल वो भी है, बट वो सारी चीजों को अगर हम एक बार साइड में भी रखें, बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा वी हैव ऑलरेडी मिस्ड वन डेडलाइन, नाउ वी हैव ओनली 19 मंथ टिल मार्च 2022। मार्च 2024 में, सॉरी 2022 का क्या, मार्च 2024, इसी में आपके इलेक्शन शुरू होने हैं। अगले इलेक्शन है, जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, टू कंप्लीट ऑल द पेंडिंग हाउसेस, ठीक है जी, ताकि 2 मार्च 2024 तक ये घर पूरे होकर लोगों को मिल जाएं। और चलिए, सो ये है आपका हाउसिंग फॉर ऑल 2022। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको पॉलिटिकल न्यूज ना देखकर हम इसको अगर इस तरीके से देखेंगे, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर इलेक्शंस जो हैं एक डेवलपमेंट पर लड़े जा रहे हैं या ये लड़े जा रहे हैं कि कितना हमने अच्छा काम किया है, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि पहले इलेक्शंस जो बहुत ज्यादा रिलीजन, कास्ट और इन मुद्दों पर, रीजनल मुद्दों पर लड़े जाते थे, अगर आप अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हैं तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में एक स्कीम आई है, ब्रेकफास्ट स्कीम। तो 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को वेस्ट बंगाल में कभी नहीं बीजेपी, ओके, पॉजिटिव कंपटीशन है, यस। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम रोल्ड आउट फॉर स्टूडेंट्स क्लास 2, 1 to 5 इन गवर्नमेंट स्कूल्स इज नॉट अ फ्री बी। अब देखो हर स्कीम को ना अब थोड़ा सा वो भी हो गया है कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च कर रहा है वो सब कह रहे हैं अरे फ्रीबी फ्रीबीज, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को जस्टिफाई कर रही है कि ये फ्रीबीज नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खाना दें। तो ये जो स्कीम है आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये वहां के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी ने कहा। और स्कीम लॉन्च एट द कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल, ये आपका मदुरई में शुरू की गई, इसमें लगभग 1,14,000 बच्चों को कवर किया जाएगा। ये स्कूल्स हैं, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की गई है। देखो पोषण स्कीम हम पहले से पढ़ रहे हैं, जो मिड डे मील स्कीम थी जो कि पोषण स्कीम बन चुकी है, अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक एडिशनल ब्रेकफास्ट भी ऐड किया है। तो उन्होंने कहा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनीमिया आयरन डिफिशियंसी कह सकते हैं, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन तमिलनाडु स्पेशली अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो चार्ज ऑफ द मील कैन एनहेंस द कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि स्पेसिफिकली मैल न्यूट्रिशन कुपोषण को फोकस किया जा सके। तो ये फोटो आप देख सकते हैं। तो चलिए मकसद क्या है, कुपोषण को, स्कीम्स ऑफ एक्सीलेंस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव करना। फोकस कर ले थोड़ा सा, पॉलिटिक्स सब पॉलिटिशियन बैठे हैं यहां पर। आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक। इसरो और ह्यूग्स ने लॉन्च किया है भारत का पहला कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज।
तो ह्यूग्स कॉम्युनिकेशन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज इन द कंट्री। तो ये कंपनी जो है टेस्टिंग इट्स ऑपरेशन इन नॉर्थ इंडिया फॉर द लास्ट ईयर, पिछले एक साल में ये अपने ऑपरेशन को देख रही है नॉर्थ इंडिया में। एक ज्वाइंट वेंचर है यूएस बेस्ड ह्यूग्स नेटवर्क सिस्टम का, इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल का, जिसमें पहली फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज शुरू की गई। अब सवाल उठता है कि ये है क्या, ये हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है क्या? ओके, अभी बता रहा हूं। ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा टू रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय यूजिंग इसरो जीसेट 11 एंड जीसेट 29 सैटेलाइट्स। जीसेट की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो। जीसेट का मैं आपको ये देखो, ये डायग्राम है। देखो अभी जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट सिस्टम है उसमें क्या है कि जो आप हब से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस तरीके से यहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये बड़े एरिया को कवर कर रहा है। तो यहां पर जो कह लीजिए स्पीड कह लीजिए, जो कनेक्टिविटी कह लीजिए, वो काफी स्लो है कंपैरेटिवली। अब इस सैटेलाइट से क्या होगा, आप पर्टिकुलर एरिया में जहां पर पहुंचाना चाहते हैं सर्विसेज को, बेटर स्पीड से इंटरनेट सर्विसेज को पहुंचा पाएंगे सैटेलाइट को यूज करते हुए। ठीक है जी, तो दैट इज द मेन थिंग। सो इट इज अ सैटेलाइट कनेक्टिविटी। जीसेट का फुल फॉर्म लिखो कमेंट सेक्शन बॉक्स में। दैट प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ विच इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डाटा। इससे हायर बैंडविड्थ होगी, डाटा ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएगा, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सैटेलाइट एंड अ ग्राउंड स्टेशन। ठीक है जी, अभी क्या कहते हैं शाम वाली क्लास में हर्षित बोल रहे थे सर इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट की दिक्कत आ रही है। तो उम्मीद है कि ये 5G और ये HTS इन सब के बाद जो है क्लास लेने में दिक्कत कम आएगी होपफुली। कन्वेंशनल सैटेलाइट कनेक्टिविटी हैज लो बैंडविड्थ और उसमें हाई लेटेंसी है। लेटेंसी का मतलब होता है गैप। देखो मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना आपको, ये कुछ गैप पे आपको सुनाई दे रहा है, जो अभी बोला ये कुछ सेकंड्स बाद आपको सुनाई दे रहा है, तो ये कम हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, यस मतलब अब एयरटेल में अच्छा स्पीड आएगा उम्मीद है विभास। नेक्स्ट है डिफेंस, तो नेवल एक्सरसाइज ककाडू, ये हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। तो INS सतपुड़ा और P-8I मैरिटाइम पहली पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैव अराइव्ड इन डार्विन, पहुंच चुका है। और ये कौन होस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब क्या होता है, दो साल में एक बार हो रही है ये एक्सरसाइज होती है, और इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इट इज द नेवीज प्रीमियर मैरिटाइम एक्सरसाइज। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब अलग अलग देशों के बीच में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। ये 1993 में शुरू हुआ था, लगभग 2 हफ्ते ये एक्सरसाइज चलती है बोथ इन हार्बर एंड सी, इन्वॉल्विंग शिप्स मैरिटाइम एयरक्राफ्ट फ्रॉम द 14 नेवीज। देखो इससे ना एक चीज और है, आप लोग जो भी मान लीजिए सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपको काफी ज्यादा घूमने का मौका मिलेगा, ऐसे एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट लेने का भी मौका मिलेगा, और ऑब्वियसली इस तरीके से आप अलग अलग देशों को घूम भी रहे हो। So, थीम क्या है, पार्टनरशिप लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। बीएससी एमए पीएचडी है ना, मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई है, राइट वाला हैंड वेव करो। ये कौन है नंदन, क्या हो गया राइट वाले हैंड को, क्या हो गया ये रहा। चलिए जिमेक्स 6th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज currently being hosted by Indian Navy in Bay of Bengal, और इसमें 3 indigenously designed और built warship हैं, सह्याद्री, 2 anti-submarine warfare, ये हमने पहले भी पढ़ा था, but ये शुरू हो गया आपका, okay। Indian Air Force to fly AN-32 on blended biodiesel for 200 years, ये भी बहुत important news है, क्यों? देखो हर चीज हम आजकल क्या कह रहे हैं, global warming और climate change को, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। लेटेंसी चेक करना है सर वो, अच्छा उसका मतलब लेफ्ट हैंड सीधा, चल लेफ्ट हैंड मैं दोनों ही हाथ हिला देता हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है, थोड़ा फोकस करते हैं, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन में सब क्यों ऐसे लगता है जैसे सांप सूंघ गया, अभी सबको मस्ती चल रही है।
ओके सो इंडियन एयरफोर्स जो है इज लुकिंग टू फ्लाई AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मॉडिफाइड टू ऑपरेट ऑन 10% ब्लेंडेड बायोडीजल फॉर 200 फ्लाइट आवर्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. CAPFs की भी एक्सरसाइज होती हैं. CAPF हाँ, मतलब क्या CAPF बॉर्डर पर क्या चने खाने के लिए रखा हुआ है CAPF को है अनुज, मतलब क्या बात कर रहे हो. ठीक है जी. सो AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मॉडिफाइड, तो इसमें 10% ब्लेंडेड बायोडीजल है, 10% ब्लेंडेड बायोडीजल है फॉर 200 फ्लाइट आवर्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. और ये इंडियन एयरफोर्स AN-32 टुक फ्लाइट ऑन बायोडीजल ब्लेंडेड विद एविएशन टर्बाइन फ्यूल विद द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2018. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें क्या किया जा रहा है कि जो आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल है इसको मतलब कुछ ट्राई किया जा रहा है, ट्रायल बेसिस पर 200 फ्लाइट आवर्स होंगे जिसमें 10% ब्लेंडेड बायोडीजल होगा. ठीक है, 10% ब्लेंडेड बायोडीजल होगा. सो दिस सेमिनार ऑन सस्टेनेबल एविएशन बायोफ्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया विच शुड हैपन विद इन 6 मंथ्स. अ सेकेंड एयरक्राफ्ट अ डॉर्नियर इज करेंटली अंडरगोइंग इट्स ग्राउंड टेस्ट आफ्टर विच इट विल टेक फर्स्ट फ्लाइट. तो कहीं ना कहीं हम इस चीज में भी बायोडीजल या कहें तो बेटर फ्यूल या बेटर फ्यूल एफिशिएंसी लाना चाहते हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पर, डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पर, वो हम कम करना चाहते हैं. ठीक है जी. चलिए, सो 65 आवर्स और सेमिनार ऑन सस्टेनेबल एविएशन बायोफ्यूल्स. हाँ जी सर. सर ये अलग से बायोडीजल बनाकर यूज करेंगे, ब्लेंड कर करेंगे. यस यस सदवचन. ठीक है, अलग से उसको बना के टू ऑपरेट ऑन 10% ब्लेंडेड बायोडीजल. ये जेट्रोफा से बनाया जाएगा. ठीक है जी. सो इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेट्रोफा प्लांट सीड्स यूजिंग अ टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेड बाय CSIR. और कंट्रीज फर्स्ट मास प्रोडक्शन बायो ATF प्लांट इज बीइंग सेट अप बाय मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. सब्सिडरी है ONGC की, फुली इंटीग्रेटेड विद रिफाइनरी एट मैंगलोर इन कर्नाटक. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है. देश का पहला मास प्रोडक्शन जो बायो ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्लांट सेटअप किया गया है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है ONGC की, मैंगलोर कर्नाटका में. मैंगलोर कर्नाटका अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कोस्टल सिटी है, बिल्कुल कोस्टल सिटी है आपकी. ठीक है, उसके बाद केरल शुरू हो जाता है, केरल के बिल्कुल नॉर्थ में कर्नाटक में मैंगलोर पोर्ट भी है. सो AN-32 डॉर्नियर. चलिए, तो यहां पर आज का सेशन कंप्लीट होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं. द पेंटिंग वर्कशॉप कॉल्ड पंचवर्णा इज रिलेटेड टू स्कल्पचर्स मुरल्स हैंडलूम्स बोथ बी एंड सी. देखो अमित, आप जो कह रहे हैं कि इंजन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो बेटा उस चीज को ही तो टेस्ट किया जा रहा है ना, उसी चीज को तो ट्राई किया जा रहा है कि उसका प्रभाव क्या होगा, उन्हीं सारी चीजों को क्या हम फ्यूचर में उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो 10% अगर हम कर पाए तो आप सोचिए कि कितना पैसा हम बचा पाएंगे भारत का. ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आंसर है आपका डी, दोनों है. ठीक है जी. पेंटिंग वर्कशॉप पंचवन केरल मुरल्स एंड हैंडलूम एग्जीबिशन फॉर डिप्लोमेट्स ऑर्गेनाइज्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट, ये इस वीक के हैं, मंडे से फ्राइडे तक के हैं. ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक के. कुंज पांडे कह रहे हैं लास्ट न्यूज हो गया. AN-32 और डॉर्नियर में 10% ब्लेंडेड बायोडीजल ऐड किया जाएगा, उसको 200 घंटे तक चला के देखा जाएगा अगले 6 महीनों तक. मकसद क्या है? मकसद यही है कि किस तरीके से हम ब्लेंडेड बायोफ्यूल ऐड कर सके एविएशन टर्बाइन फ्यूल में. अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं
तो इसके कई सारे फायदे होंगे कुछ, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो कार्बन इमिशंस हैं वो कम होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा है। तीसरा पॉइंट ये है, हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या है, क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन का, जब हम कहते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट है, पर क्रूड ऑयल हम कहां से लेते हैं, 85% क्रूड ऑयल, 85% क्रूड ऑयल जो है हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, लगभग 9 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो पैसा है, अगर इसका 10% भी हम बचा पाए तो 90 हजार करोड़, मैं मतलब मोटा मोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टेकिंग इट ऑन द फेस ऑफ इट। सो ये कोशिश है। तो दो चीजें हो गई, क्लाइमेट चेंज को भी ठीक करेगा और उसको भी करेगा, बाकी रही इंजन पर क्या उसका इफेक्ट होगा, एग्जैक्टली वही चेक किया जा रहा है। चलिए, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एंटीगुआ बारबुडा? क्लियर? पायलट प्रोजेक्ट ना फॉरेक्स रिजर्व सेव होगा, पायलट प्रोजेक्ट ही है, फॉरेक्स रिजर्व फ्यूचर में धीरे धीरे सेव होगा, रिक्चा बिल्कुल सेव होगा। ओके, हाँ जी, ये बताइए, बारबाडुआ, एंटीगुआ बारबुडा, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम रिपब्लिक बनना चाहते हैं, यूके से अलग होना चाह रहे हैं, सेंट जॉन्स इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ एंटीगुआ बारबुडा, एंटीगुआ आइलैंड्स। ओके, आर्मीज, खरगा कॉप्स एंड एयरफोर्स हैव कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड या फिर उत्तराखंड। हाँ जी, ये एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक कहाँ पर होगी, गगन स्ट्राइक कहाँ पर होगी, नया रिपब्लिक बना नहीं है अभी, तमन्ना बना नहीं है, इन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में हम बन जाए, अभी बना नहीं है, पिछले साल बना था बारबाडोस, तो ये एंटीगुआ बारबाडो है और वो अलग था। यस, ये एक्सरसाइज हो रही है आपकी पंजाब में, ठीक है जी, पंजाब, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये कोई बी वाला तो नहीं है। यस, ए, स्पोर्ट्स स्टार टू होस्ट फर्स्ट एवर नॉर्थ स्पोर्ट्स कंक्लेव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स स्टार, अगर आप देखेंगे द हिंदू का वो है स्पोर्ट्स वाला वर्जन, सो लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, चंडीगढ़, फर्स्ट एवर नॉर्थ बोला है, नॉर्थ तो ये नॉर्थ में नहीं है, ठीक है, सो आंसर हाँ, बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन है, वेरी गुड मनीष, आपकी स्टेट में, ठीक है, चलिए आंसर इज लखनऊ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? इंडोनेशिया, तुर्की, तुर्की, सिंगापुर, मैक्सिको। हाँ जी, क्या है, कौन सा मेंबर नहीं है G20 का, कौन सा मेंबर नहीं है, इंडोनेशिया, तुर्की, सिंगापुर, मैक्सिको। G20 क्या है, 19 देश, 19 कंट्रीज प्लस ईयू, प्लस ईयू का एक समूह, दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमीज, ये G20 मिलकर मोर देन 85% ऑफ वर्ल्ड GDP है, ठीक है, मैक्सिको नहीं है, पक्का नहीं जी, गलत है, ठीक है, सिंगापुर, देखो छोटा सा एक सिटी स्टेट है ना, सिटी स्टेट है अभी, सो कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, आप देख सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, सिंगापुर जो है एक छोटा सा सिटी स्टेट है, मतलब छोटा सा एक कंट्री है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, द गवर्नमेंट हैज रिलीज 384 मेडिसिन अंडर द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एज कंपेयर टू 376 इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015, द मेडिसिन हैव टू बी कैटेगराइज 27 थेरापेटिक कैटेगरीज, एंड न्यू सेक्शन हैज बीन एडेड फॉर मेडिसिन कंसिडर्ड असेंशियल फॉर सपोर्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19।
नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1996 एंड इट इज बीन रिवाइज्ड इन 2003, 11 एंड 15. यस 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 अच्छा ये मैंने देखा, भेड़ चाल है, भेड़ चाल, ए दिया सबने ए ए ए आंसर. तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट. सो आंसर इज डी, नन. ठीक है जी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है और आंसर हो गया आपका नन. ठीक है जी, डी है, तीनों स्टेटमेंट सही है. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ हैज डिसाइडेड टू सेट अप मोबाइल एजुकेशन क्लासेस इन विच कंट्री? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान. हल्के में ले रहे हो. ठीक है जी, यस, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने मोबाइल एजुकेशन क्लासेस किस कंट्री में जो है डिसाइड किया है सेटअप करने के लिए? सो आंसर इज योर, ये तो इजी है, अफगानिस्तान. सिंपल क्वेश्चन. इंडिया एंड नेपाल साइन एमओयू बिटवीन एनएचपीसी इंडिया एंड आईबीएन नेपाल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विच रिवर? सेती रिवर, राप्ती रिवर, कोशी रिवर, बागमती रिवर. इंडिया और नेपाल ने अभी एक समझौता साइन किया है जिसमें एनएचपीसी इंडिया की तरफ से और उधर आईबीएन नेपाल ने एक नदी पर डैम बनाने की बात की है. सेती, राप्ती, कोशी, बागमती. हाँ जी, कौन सी नदी पर है ये? यस, इट इज ऑन द सेती रिवर. बिल्कुल ठीक. ठीक है जी, इट इज ऑन द सेती रिवर. द नेम टाइफून मोइफा विच क्रिएटेड हाई अलर्ट इन शिजियांग प्रोविंस इज गिवन बाय? मकाओ, वियतनाम, जापान, कंबोडिया. एक बार इसको चेक कर लेना, प्लीज क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन. ठीक है, प्लीज क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन. विशाखा और एनीबडी, प्लीज क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन. द नेम टाइफून मोइफा विच क्रिएटेड हाई अलर्ट इन शिचुआंग प्रोविंस इज गिवन बाय? देख रहे हो विनोद, इतनी इंफॉर्मेशन, इतने सारे क्वेश्चन, फिर भी कोई शेयर नहीं कर रहा है. विनोद जो है गुस्सा हो जाएगा. सी ये नहीं मिला था गूगल पे, स्किप. ठीक है, एक बार चेक करना है इसको. इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग ये है मकाओ, बट मकाओ नहीं होना चाहिए. उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि मकाओ चाइना का ही पार्ट है. सो नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन. हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ अंगोला? अगोस्तिनो नीटो, लॉरेंसो ल्यूसिया लारा, जो जो सेंटोस. पढ़ा था विकिपीडिया पर. पक्का अजितेश, ए है आंसर, मकाओ ही है. चलो ठीक है, ठीक है. अजितेश कह रहे हैं कि पढ़ा था, तो अजितेश की बात पर चला जाए. टू कंट्री वन सिस्टम. ठीक है जी सर, जापान ही आएगा, आज ही न्यूज में पढ़ा था. रितो कह रही है आज ही पढ़ा है. अगस्तिनो नीटो तो पढ़ा है अंगोला. यस, रामाकृष्ण अवेकनिंग प्रोग्राम. दिस इज अ प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ 1 to 5, फोकसिंग ऑन दिस, इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद. इट ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर 9 to 12, क्रिएटिंग एडिशनल प्रोग्राम फॉर 1 to 8. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर इनकरेजिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन ऑल स्कूल्स फ्रॉम 1 to 12. नहीं सर, मोइफा जापान ही आएगा. ठीक है जी, तो अब जो है रितु और अजितेश में कंपटीशन हो गया है, देखते हैं कौन जीतेगा. सर बट विकिपीडिया से टेबल तो कंफर्म नहीं है. द नेम मोइफा ओके हैज बीन यूज्ड फॉर फोर ट्रॉपिकल साइक्लोन द वेस्टर्न नॉर्थ प्रेजेंट मेटेड में मकाओ. द नेम इज कैंटोनीज नेम फॉर द प्लम ब्लॉसम.
ठीक है जी, मंथन जो है इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाए हैं। ओके करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। मैं तो लाइफलाइन लूंगा, लाइफलाइन वाला ऑप्शन नहीं है बेटा, यूपीएससी में नहीं है लाइफलाइन वाला ऑप्शन। ठीक है, फोनो फ्रेंड नहीं, वीडियो फ्रेंड। चलिए, यस बी इज द आंसर। किसने बताया? ये दो तीन बच्चों ने, संजय ने। ठीक है, सो बी इज द आंसर, दिस इज राइट, दिस इज राइट। और ये आपका बालवाटिका टू बालवाटी, बालवाटी मतलब उससे भी पहले, ठीक है, प्री स्कूल से आप कह सकते हैं। ओके, ट्रिपार्टाइट पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन सेंटर एंड विच स्टेट, विच गवर्नमेंट एंड ट्राइबल ग्रुप्स टू एंड डिकेड ओल्ड क्राइसिस ऑफ ट्राइबल्स, मतलब किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है ये? आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मेरे पास चार हैं, ठीक है जी। चाइना ने जापान की बात नहीं मान रहा है, सो आंसर इज मकाओ। सीपीएफ कौन सी फोर्स में ज्यादा रिस्क किस में है? चैंपियंस। बड़ा कहावत है कि ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, तो इसमें ये क्या बात हुई कि रिस्क किस में है? फौज का नाम ही रिस्क है। चलिए, यस आसाम। हु हैज नाम चेयरमैन ऑफ सीमेंट मेकर एसीसी लिमिटेड, चेयरमैन ऑफ चीत अडवाणी, करण अडवाणी, मनसुख अडवाणी, प्रणव अडानी। सो ये अडवाणी नहीं है, ये अडानी है, ठीक है। चलिए, मिस प्रिंट, अडानी कहीं मेरे को पकड़ना ले। इंडिया 76 ग्रैंड मास्टर कौन है? सो रमेश बाबू, प्रज्ञादा, प्रणव आनंद, भरत सुब्रमण्यम, आकाश गणेशन। ठीक है जी, सो इट इज प्रणव आनंद। चौ, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज टीम निष्ठा ऐप विच इज लाइव देयर, यू कैन गो, फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, डिस्कशन ग्रुप चल रहा है, काफी बच्चों को अच्छा लग रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग भी एज अ ट्यूटर पार्टिसिपेट करें, स्पेशली जो नए ट्यूटर्स ऐड हुए हैं, आप भी सेशंस कंडक्ट करवाएं, एक ग्रुप बनाओ, बातचीत करो, किसी टॉपिक को पे जो है डिस्कशन करो, सो वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीएफ मैं यहाँ पर शेयर कर लूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, करंट अफेयर्स की। जीमेल पे कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका, मुकुल, शिवानी, रागिनी, स्वीटी, थैंक यू जन्नत, थैंक यू अजितेश। व्हाट इज कॉम्युनलिज्म एक्सक्लूडिंग कास्ट एंड रिलीजन इन दैट? देखो, कॉम्युनलिज्म की यही विचारधारा है कि भाई मैं, वैसे हम इसको रिक्चा हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि उसके भी तीन स्टेजेस हैं। पहले आप कहते हैं कि जी मेरा अलग खान पान है, मेरा अलग रहन सहन है, फिर आप कहते हैं जी नहीं हम बहुत अलग हैं, फिर हम साथ रह ही नहीं सकते। सो कॉम्युनलिज्म बेसिकली यही बात करता है कि वी हैव अ ओन सेपरेट, एक कॉम्युनिटी है जो कि अपने आप को सेपरेट करना चाह रही है, ठीक है, उस फिलॉसफी पे है। खैर, ये मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इंग्लिश डिस्कशन ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, 49 रुपीज़ पर मंथ उसकी वैलिडिटी है, ठीक है। ये भी इसलिए रखा गया है ताकि थोड़ा सीरियसनेस आए, ठीक है, इट्स अ वेरी टोकन अमाउंट, सो सीरियसनेस आए ताकि जो भी बच्चा ज्वाइन करे उसको लगे कि हाँ मेरे को अटेंड करने हैं, दैट इज द देयर। ठीक है जी, सदवचन मिश्रा कह रहे हैं मेरे को ट्विटर में एक पोस्ट में टैग किया है, धन्यवाद। टुमारो का जीडी टॉपिक, वैसे मैंने कई सारे जीडी टॉपिक बताए हैं, उस पर सब पे डिस्कशन हो गया? मैंने परसों तीन टॉपिक बताए थे, उन पे डिस्कशन हुआ कि नहीं? थैंक यू मुकुल, थैंक यू। हाँ जी, आज कई लोगों का बर्थडे है, सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, टीम निष्ठा की तरफ से। तमन्ना, हैप्पी बर्थडे। ठीक है जी, चलो, और किसी का कोई डाउट? ऑल सेट, कल क्लास नहीं होगी, ठीक
ठीक है जी, कल क्लास करंट अफेयर्स की नहीं है, जस्ट गो एंड रिलैक्स। परसों मंडे से शुरू करेंगे ये कहानी दोबारा से, ठीक है जी? और मंडे टू सैटरडे प्लीज शेयर द सेशंस सो दैट एवरीबडी कैन ज्वाइन एंड वॉच दी सेशंस, एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशंस प्लीज शेयर। और टेलीग्राम पर भी मैं क्विज शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, उस पर भी आप बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू।